नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद यदि कोबरा सांप के मुंह में गिर जाए तो वो सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना या फिर कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती है। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपाकर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटी जो कि जंगल से बिल्कुल करीब बसा हुआ। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि आज तुम मेरी बाकी की बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ, मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ कर ही आऊंगा जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण को निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे हो सकता है, तो उसने उस पेड़ की ही एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मार कर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि क्या सचमुच में नाग मर गया है या अभी भी जिंदा है। पर जब उसने देखा कि नाग सचमुच में मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी, जैसे ही उसने देखा नागमणि गायब है और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो नागिन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान लिया कि ये हरकत किसकी है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और एक इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था।
और वो भी केवल और केवल उस नाग मनी की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नाग मनी थी और वो तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नाग मनी हो। दोस्तों कहते हैं इच्छाधारी नागिन बगैर नाग मनी के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है और अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक अति सुंदर कन्या का रूप धारण किया। और गोपाल जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके रास्ते के बीच में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री सड़क पर रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप कौन हो और रो क्यों रही हो। तब उस स्त्री के भेष में नागिन ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल रात वो एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन गोपाल और पायल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे अपने गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे लोग नागमणि के नाम से पुकारते हैं। तब पायल बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे ये दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल तुम तो कहते थे कि तुम मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने तुम्हारे गले की ये माला क्या मांग ली? इस तुच्छ सी चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा मायने नहीं रखती। परंतु गोपाल ने फिर ना चाहते हुए भी अपनी वो माला निकाली और पायल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमनी आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था और उसने अपने नाग की मौत का बदला ले लिया था। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।